घर में अभी भी आप नहीं जानती है, अभी भी आप चुप नहीं होंगे, जागना अभी भी आप चुप नहीं होंगे। एक मिनट में बोला, चुप रहिए, आप बोलोगे जवाब तो दे दूंगा आपके बाद तो आप बोलोगे जवाब ही नहीं। अरे 65 साल तो बोलते ही चले आ रहे थे, 65 साल ने तो आप जनता को बोले ही बेवकूफ बना ही। 65 साल में तो हमने जो बनाया था वही तो ये बेच के खा रहे हैं। नहीं, तकलीफ ये है, इसीलिए जनता आपको बना के बाहर कर दिया। नहीं नहीं, 65 साल आपने जनता का अच्छा काम किया, इसीलिए जनता ने आपको हटा कर दूर कर दिया। किया था अच्छा काम किया था, चतुर्वेदी जी अच्छा काम किया था, इसीलिए आज भगा दिया। मोबाइल पे बात कर रहा, भगा दिया कांग्रेस ने अच्छा काम किया था, इसीलिए अगर ये हमारे साल में इतना अच्छा काम राजीव गांधी नहीं होते तो आज हम लोग 65 साल में इतना अच्छा काम किया, यूपी से भगा दिया, इस तरह से बिहार से कर रहे थे कंप्यूटर हर जगह तो आप जा रहे हो, पागल हो गए हैं कांग्रेस, इसलिए बोल रहा हूँ। मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट का, एक मिनट, मुद्दा है किस बात का, सुनिए मुद्दा है किस बात का और चले जाते किस बात पे, क्योंकि आपको इसलिए आपको मिर्ची, सुनिए एक मिनट आपको मिर्ची इसलिए लगी है, आपको मिर्ची इसलिए लगती है क्योंकि आप हमेशा जनता से मार खाते हो, इसलिए आपको मिर्ची लगती है। आप सुनिए, सही बात सुनिए, जब भी कोई बात उठाता है तो आपका पिछला दर्द याद आ जाता है। सुनिए, जब भी कोई मुद्दा उठता है तो आपका पिछला दर्द याद होता है। हर बार घर में हर बार पुराने घाव को याद करने दे, घाव ठीक नहीं होता। जो किल ठोक के है ना, हर बार पुराना घाव याद करोगे तो घाव ठीक नहीं होगा। घाव पे मलहम लगाइए, चुप बैठिए। मैं बोलता हूँ, अब रीता सिंह को बोलने दीजिए थोड़ा। भरत सिंह जी रीता को बोलने दीजिए, रीता को बोलने दीजिए, आपके घाव पे मलहम लगाएंगी। थोड़ा चुप बैठिए, बैठिए, सुनिए थोड़ा आराम से, तो आपको थोड़ा शांति मिलेगी। सुनिए फिर, अरे भाई आपको शांति मिलेगी, थोड़ा चुप बैठिए, नहीं तो आपको दिल का दौरा पड़ जाएगा बैठे बैठे। थोड़ा घाव को सहलाइए, सुनिए शांति से, कुछ नहीं पड़ने वाला है, शांति से दिल का मजबूत, शांति से दौरा ला दूंगा। वही तो बात है, दौरा ला दूंगा। दिल का मजबूत नहीं, आप पूरा पिटारा के भी मजबूत हैं, पूरा पिटारा भर के बैठे। चलिए चुप बैठिए, थोड़ा शांति से रीता सिंह का सुनने दीजिए। रीता सिंह क्या बोलते हो, समझ में तो आना चाहिए। बोले रीता सिंह जी, रीता जी बोले बोले, अब बीच में नहीं बोलेंगे भरत सिंह, अब भी तो बोले तो समझिए कि एकदम दूसरे के घर में झांकने वाले पक्का है। बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है ये महाराष्ट्र सरकार, क्योंकि आज की डेट में कोरोना काल में जब महाराष्ट्र सरकार बच्चों पे नहीं ध्यान दे रही है, पूरे कोरोना काल में आप सभी लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार एक झूठी और निकम्मी सरकार बनी हुई है जी। कहती है करेंगे, वो नहीं पता चल, बच्चों की फीस की बात हुई, ये तो बच्चों के भविष्य की बात है, ये कोई पक्ष की बात नहीं है, ना ये कोई भारतीय जनता पार्टी की बात है, ना कांग्रेस की पार्टी की बात है, ना शिवसेना की पार्टी की बात है। जो जो बोल रहे भरत सिंह, उनके भी घर में बच्चे होंगे, जब छूट मिलेगी तो क्या खाली बीजेपी के बच्चों को ही छूट मिलेगी कि पूरे पूरे भारत मिलेगी, महाराष्ट्र के जो बच्चे है सभी को मिलेगी ना जी, सभी को मिलेगी। और कोरोना काल में किसने कमाया, भरत के पक्ष वालों ने बहुत कुछ कमाया, लेकिन जो कोरोना काल में भी तो कमाया होगा, उनके वाले भी कमाए होंगे ना, बेच के तो कमा रहे हैं मैडम। ठीक है, भरत सिंह फिर आप झांकने लगे उसका शर्म करिए भाई, थोड़ा मैं रुकिए ना, आपको मौका देंगे झांकने का, रुकिए। नहीं, क्वारंटाइन सेंटर खोला था, वहाँ पे पानी भरा हुआ था, वहाँ पे झांकने ही जाते थे, खाली वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी। एक बार फिर झांकना, थोड़ा शांत रखिए, थोड़ा शांत रखिए, आपको मौका दिया जाएगा झांकने का। बच्चों के भविष्य की बात है तो बच्चों के भविष्य के लिए क्यों नहीं लड़ रही है, हमेशा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट और सब कोर्ट ही लड़ेगी। क्या महाराष्ट्र सरकार ने कभी निर्णय लेने का फैसला नहीं लिया है, 3 लोगों को मिला के सरकार बनाने का फैसला आता है लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए बात नहीं आती है। अरे बच्चों के भविष्य के लिए तो सोचिए, क्योंकि भरत जी आपको बोलना है तो आप ही बोलिए, लेकिन जो सही है ना कभी छुटलाया नहीं जा सकता है, और सबसे परेशान होना है लेकिन पराजित कभी नहीं होगा। रीता जी एक बात बताइए, रीता जी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करते हैं, सरकार चुन के देती है, सरकार जनता चुन के देती है सरकार को। जब महाराष्ट्र में सरकार बनाने की हुआ,
महाराष्ट्र में जब सरकार बनाने को हुआ तो शिवसेना महाराष्ट्र बीजेपी को जनता ने समर्थन दिया, बहुमत दिया। जी, जी, जब शिवसेना नहीं आई तो आप एनसीपी के कुछ लोगों को लेकर के सरकार को रातों रात बनाने की शपथ ले लिया। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट में जाने के अलावा इनके पास कोई विकल्प ही नहीं बचा, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार बनी है। तो क्या बताइए इसका मतलब क्या, सरकार बनने के बाद भी तीन लोगों को मिला के इन्होंने सरकार तो बना ली, ना तो जो भी किया, लेकिन क्या जब भरत सिंह जी, भरत सिंह जी मैं आपके पास आता हूँ, आता हूँ, रुक जाइए सुनते रहिए। हाँ, बच्चों के लिए, जब बच्चों को सोल्यूशन मिलना चाहिए, बच्चों के भविष्य की बात हो रही है, बच्चों को बच्चों के फीस माफी की बात हो रही है, तो क्यों नहीं है सरकार आंदोलन निकाले, फैसला करे, सबको एकजुट करे। जब एकजुट करने का मौका आता है तो हाथ खड़ा कर देती है। रीता जी केंद्र सरकार ने शिक्षा को लेकर के क्या फैसले लिए? केंद्र सरकार में जहाँ जहाँ हमारी सरकार है, आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ सरकार, केंद्र सरकार पूरे देश के लिए, केंद्र सरकार ने अपने तरफ से क्या गाइडलाइन दिया? केंद्र सरकार पूरे देश में लॉकडाउन लगा सकती है, केंद्र सरकार रेलवे बंद करवा सकती है, केंद्र सरकार फ्लाइट बंद करवा सकती है, तो केंद्र सरकार पूरे एजुकेशन के लिए केंद्रीय स्तर पर कोई फैसले नहीं ले सकती? केंद्र सरकार की पूरी मंजूरी है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार को केंद्र सरकार दिखती नहीं है, वो खुद ही अपने क्या मंजूरी है, मंजूरी क्या है बताइए, मंजूरी क्या है, मंजूरी क्या है वो तो बताइए। जब ये सरकार बननी थी, महाराष्ट्र सरकार बननी थी, तो इनको अपने तरीके से फैसला लेना था। फ्लाइट में चढ़ने नहीं दिए। उस पे हम बाद में डिबेट करेंगे, राज्यपाल का मुद्दा नहीं, क्या मुद्दा है? देखिए, सारे फैसले अदालत ले रहे हैं, सरकार क्यों? मेरा मुद्दा सरकार क्यों? केंद्र सरकार क्यों नहीं पूछती? अगर केंद्र सरकार के हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं है, केंद्र सरकार ने सारे जगह पे छूट दे रखी है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार को बस उनको यही दिखता है, सुप्रीम कोर्ट ये कोर्ट वो छूट क्या दिया, क्या छूट दी है? सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र नहीं गए, वहाँ तो राजस्थान के लोग गए। केंद्र सरकार ने फीस के नाम पे क्या छूट दी वो तो बता दीजिए, पेपर हमारे पास है, और पेपर हमारे पास है, रीता जी से जरा पूछ लीजिए ना जी। रीता, भरत सिंह जी, भरत सिंह जी आप बताइए, भरत सिंह जी बोलिए, भरत सिंह जी, भरत सिंह जी, भरत सिंह जी, केंद्र सरकार सुनिए, भरत सिंह जी बताइए, भरत सिंह जी बताइए कि केंद्र सरकार से क्या अपेक्षा राज्य सरकार केंद्र सरकार से कर रही है, क्या कुछ करे? देखिए, राज्य सरकार के हाथ में कुछ पावर नहीं है, राज्य का बोर्ड, महाराष्ट्र का बोर्ड या गुजरात का बोर्ड या राजस्थान का बोर्ड या मध्य प्रदेश का बोर्ड, ये राज्य सरकार चलाती है, एजुकेशन राज्य सरकारों के हाथ में होता है, तो राज्य सरकारों ने क्या किया इसके ऊपर? आपने बहुत सवाल सही कहा। पहली बात, आपने पूछा केंद्र सरकार से क्या आस होती है, क्या आशा होती है, क्या, तो आपको पता होना चाहिए केंद्र की जो सरकार होती है पूरे देश की सरकार होती है, जी, सब उसके अंडर आते हैं, वो अब हमारे अभिभावक हैं, जी, ठीक है, हम उनसे आस रखते हैं, अभिभावक से हम आस रखते हैं कि अभिभावक हमको कुछ ना कुछ मदद करेंगे तो हम जो है खड़े हो जाएंगे, जी। तो केंद्र सरकार इसमें दूजा व्यवहार करती है, जहां जहां उसकी सरकार है वहां मदद पहुंचाती है, जहां जहां अगर उनकी सरकार नहीं है तो उनको उनके ऊपर गोल गोल घुमाती है कि नहीं हमारे पास पैसा नहीं है, हम लॉस पे चल रहे हैं, हम कहां से लाएंगे, ये देखिए ये होता है, ये करते हैं। अब उसके बाद आपने दो सवाल रीता जी से पूछा कि केंद्र की सरकार ने क्या क्या किया है वो बता दीजिए, स्कूल के नाम पे, फीस के नाम पे, उससे भाग रही है। फिर आपने पूछा कि राज्य सरकार ने आपके, सुन लीजिए, आपने बोला कि रात को अगर भगत सिंह कोश्यारी शपथ दिलवाते हैं तो राज्यपाल का नहीं मुद्दा।